ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं। चलो यहां से। डूयून, तुम ठीक हो? चलो उठो। यहीं पर रुको। आप वापस तो आएंगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी। किसी भी कीमत पर बाहर मत निकलना, समझ गई ना? दो चार, दो गुना तीन छः, दो गुना पांच दस। डूयून कहाँ है? वो छिपी हुई है उस तरफ। तुम ठीक तो? ये कैसे हो सकता है?
सांग भी ओम, वहीं डटे रहो। संगब्योम, वाशन, यहाँ मत आना। संगब्योम, संगब्योम। मुझे माफ कर दो संगप्योम, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। हाँ जोंगवा। मैम वो लिसियोन मैडम वो वापस आ गई है। तुम्हें पूरा विश्वास है वो वापस आ गई है? मैडम आपको यहाँ आकर एक बार चेक करना पड़ेगा। नासा ने दावा किया है कि रिकॉर्ड पे अत्यधिक सनस्पॉट है जो कि गंभीर स्तर पर पहुंच गया है और ये बहुत खतरनाक है। इसका असर पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? तब तो बहुत अच्छा होगा, मुझे अपना कर्ज भी नहीं चुकाना पड़ेगा। हेलो, डिटेक्टिव ली वास्यून यहाँ आ गए। ओके। शैतान, अगर कैप्टन को पता चल गया तो क्या होगा? क्या तुम सस्पेंड होकर वापस पेट्रोल डिवीजन में जाना चाहती हो? मैडम को मालूम होना चाहिए, वो कोरिया के सारे फौज के बीच अपराधी को पकड़ने के लिए एकदम बेताब है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता? ऐसा वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत मामले के लिए कर रही है ताकि केस खराब हो जाए। लेकिन मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि अपनी आंख और कान बंद करके बैठ जाए और कुछ भी ना करे। अरे आप आ गई, बॉडी कहाँ है? बॉडी यहाँ है मैम। ली वास्वान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हद है, तुम तो मुझे सुन भी नहीं रही। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि कहीं सुयोन वापस तो नहीं आ गई है। तुम देखोगी और इससे क्या हो जाएगा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इमोशनल मत हुआ करो। बात को समझिए, ये आठवां शिकार है और मेरे पति भी मारे जा चुके हैं और मैं हाथ पे हाथ धरी बैठी रहूं। कैप्टन शाह, मुझे दोषी को पकड़ने दीजिए। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? कैप्टन, जब तक ये यहां है तब तक चुप रहो। सॉरी सर, मैं अभी अभी अपने पति से मिली थी और जैसा कि आपने कहा, हाँ मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन मैं ये अपने व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक जासूस के रूप में अपना कर्तव्य निभा रही हूं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। जी मैडम। इस तरफ। मैडम आप ठीक तो है? ए, चलो साथ में खाते चलो। तुमने वादा किया था कि खरीदोगे, लेकिन तुमने मुझे पूरा दिन भूखा रखा और देखो अब मैं क्या खा रहा हूं। सुनो भी,
टो ट्रक चलाते समय कोई भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है। अब उठ भी जाओ बे। अपने बॉस से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई बे? बस चल बे। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वैध है या अवैध है। क्या हम पुलिस रेडियो की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं प्लीज? मैं कमाना चाहता हूँ, रोज के खर्चे निकल जाए। सुगंध बहुत अच्छी है। अंडरपास के पास एक एसयूवी पलट गई है, अतिरिक्त वाहन है जो कि दुर्घटना में शामिल है। कृपया घटना स्थल पर जल्दी चलो चलते हैं। अरे ये तो बहुत गर्म है, सब खराब कर दिया। अब एक कमीने स्वार्थी। नासा की निगाहें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर लगातार बनी हुई है, जिसके कारण संचार बाधित हुआ है। सनस्पॉट की गति पर भी है। सनस्पॉट से लगातार छोटे विस्फोट हुए हैं। क्या कर रहे हो तुम? लेकिन वो एक अंडरपास के पास एक दुर्घटना हुई है। अच्छा, नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं गाड़ी निकालता हूँ। आज की अगली न्यूज। तो हमारी अगली न्यूज ये, अब चिंता मत कीजिए, साउथ कोरिया के एक छोटे से मॉल के अंदर हुई चोरी। दो चोर बंदूक लेकर अंदर घुसपैठ करते हैं। दुनिया खत्म होने वाली है। एक कस्टमर की जान ले लेते हैं। इसके बाद सीधा पुलिस को कॉन्टेक्ट किया जाता है। पुलिस के आते ही उस बॉडी को एम्बुलेंस के द्वारा। हेलो कॉर्पोरल पार्क। अरे ये जहरीला इंसान यहाँ क्या कर रहा है? आज तो मैं किमची स्टू खा कर ही रहूंगा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वाकई किमची स्टू तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मांस डाल दिया है, मजे करो। कहाँ चले, अभी अभी तो मिले हैं, क्यों ना कुछ देर बात कर लें। मुझे एक एक्सीडेंट की खबर मिली है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। कॉर्पोरल पार्क, तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ किमची स्टू के लिए आया हूँ? कॉर्पोरल पार्क, हमें चलना नहीं क्या? दिखता नहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। चलो तुम्हें एहसास है ना कि तुम दो दिन लेट हो? अरे वो आप चिंता ना करें, मेरे पास वो पहले से ही है। मेरा मतलब है कि तुम फिर से वही बोल रहे हो जो एक हफ्ते पहले बोला था। दरअसल मैं कुछ परेशानी में उलझा हुआ था इसलिए। वैसे भी कल तक का ही वक्त है, अगर कल तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो मैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाऊंगा वसूलने के लिए। उम्मीद है तुम्हें अपनी इज्जत तो प्यारी है, अपनी जबान पर टिके रहना। क्या? अच्छा ठीक है। कौन थे वो? पुराने दोस्त। क्या? दरअसल इतने सालों बाद मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो। ठीक है। यहाँ पर रुके हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। इसलिए लोग टोइंग ट्रक के ड्राइवर्स को गालियां देते हैं। पहले तो मैं ही तुम्हें कोसूंगा। अबे हरामी, तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम गधे हो? अब चलो भी, दूसरे ड्राइवर सारे पैसे लूट के ले जाएंगे। चलो ना, आगे तो बढ़ो ना। क्या मेरा मुंह देख रहे हो? अरे उबासिया क्या ले रहे हो? मैं कोई प्रवचन झाड़ रहा हूँ? अरे देखो वहाँ कुछ। अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? गंगमैन, तुमने सारे स्पॉटलाइट्स चालू कर दिए। पुलिस को कॉल किया? मुझे बचाओ, 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 कोई बचाओ। हे तुम ठीक तो हो? चिंता मत करो मैं आ गया। मेरी मदद करो। हमने एम्बुलेंस को बुला लिया, वो बस किसी भी वक्त। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरी मदद करो।
तुम ठीक हो, आराम से, कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम बचा लेंगे तुम्हें। शांत हो जाओ और गहरी सांसें लो। एक, दो, हाँ तुम सही कर रही हो, बस बस हो ही गया, आराम से, घबराओ मत। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम्हारे पास डॉग है? क्या क्या नाम है उसका? गोंगची। गोंगची, कितने साल का है वो? वो 3 साल का है और एकदम फुर्तीला। तब तो बहुत प्यारा होगा। मेरा डॉग तो बूढ़ा हो गया और हमेशा भौंकता। तुम्हारे डॉग का क्या नाम है? मेरे डॉग का नाम योंगसिक। तायहान, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। सब ठीक, सब ठीक, आराम से, घबराओ मत। ये भयानक है, वहां से बाहर निकल जाओ। अरे निकलो यहाँ से, मैं बोलूँ तब मुझे खींच लो। चिंता मत करो, तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। बस हो ही गया। खींचो, चलो बाहर आओ। एक, दो, तीन। अरे देखो जरा, कितने मजे से खा रहे हो। मुझे गर्व है तुम पर, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। थोड़ा बियर पीना चाहिए। नहीं, नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये सारा पॉपकॉर्न तुम्हारा हुआ। रुको जरा यार। क्या क्या हुआ? किसके फोन का इंतजार है तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लड़की है ना? तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? फिर से कोई अजीब सी लड़की। वो अजीब नहीं है। नाम क्या? क्या वो यहीं से? सियाल से। उम्र? 22 साल। क्या करती है? क्या तुम भी मुझसे पूछताछ कर रहे हो? ओह, तुम्हारी तो आंखें फड़फड़ा रही है। वो अजीब तो पक्का है। नहीं नहीं, वो अजीब नहीं है, वो एक एंजल है, सच्ची एंजल है, मेरे लिए आई है, एंजल है। ये क्या है? बच्चा,
आखिर तुम उसे एक जनरल स्कूल में कैसे भेज सकते हो? बच्चे डर जाएंगे। तुम करने क्या वाले हो? इसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देना चाहिए या कुछ और। बच्चे स्कूल जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? इसका तबादला करा दो। ओह गॉड, कितना डरावना है ये। मेरे नजदीक मत आओ। ये हमारे नए साल की किताबें हैं, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। तुम इसे खराब कर रहे हो। तुम ये सब बिल्कुल भी नहीं समझते ना? चुप हो जाओ। गंदे बदबूदार कीड़े, निकल जाओ। मैंने कहा ना चुप हो जाओ। उससे दूर रहो वरना तुम्हें भी ये रोग हो जाएगा। गधे कहीं के, मैंने कहा ना चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ कमीनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? चलो सबको मार डालो। हनी? क्या हनी, मैंने तुम्हें अपना पति कभी माना ही नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने तुमसे कहा है ना, मुझसे इस तरह बातें मत किया करो। चले जाओ मेरे सामने से, तुम मेरे कस्टमर को डरा रहे हो। मैंने कहा ना मुझसे ऐसे बातें मत किया करो, आज तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। या! आ गई, भूख लगी होगी। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? चेंज कर लो और खाना खा लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी परवरिश अच्छे से करके उन्हें माता पिता का प्यार दिया जाए, तब वो किसी भी तरह के अपराध में शामिल भी नहीं होंगे और यहाँ रहने में उन्हें दिक्कत भी नहीं होगी। मुझे लगता है अभी इनके लिए देर नहीं हुई है। जिस तरह से हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वैसे ही अगर इन बच्चों पर किया तब भी वो नहीं बदलेंगे। होशो, यहाँ मत आना।
तो सर आप आगे बढ़िए, मुझे एक कॉल पे बात करनी है। ठीक है। जी मैडम बोलिए। जुंगवा मैंने तुम्हें एक नंबर भेजा है, कॉलर के बारे में तुरंत पता करो। मतलब? सुहियोन ने मुझे कांटेक्ट किया। ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। नहीं, ये मुझे ही करना है। ठीक है फिर, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं कॉल करती हूँ। थैंक्स मैडम। हाँ मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है, लेकिन आप जल्द से जल्द उसे पकड़िए। यहाँ है मेरी बच्ची। तुमने क्या सोचा तुम यहाँ छिप जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? माँ आपको कैसे पता चला मैं यहाँ छुपी हूँ? माँ को सब पता होता है। सच्ची? कैसे पता चला बताओ। तुम जानना चाहती हो? मुझे जानना है, बताओ ना। तुम्हारी खुशबू से। क्या कहा? मुझसे खुशबू आती है? लेकिन मैं तो रोज नहाती हूँ। ये खराब खुशबू नहीं है, बहुत अच्छी खुशबू है। आप सच कह रहे हो? हाँ, दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू है। आपने अपना होमवर्क करा? सात गुणा आठ? छप्पन। नौ गुणा सात? तिरसठ। दो गुणा दो? चार। ओ मेरी प्यारी बच्ची। मुर्गी? 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 ये रही। माँ तो क्या तुम खाओगी? आप बहुत अच्छी हो। ओ सच में? तुम भी तो सबसे अच्छी बेटी हो। हे भगवान, लगता है आज जोरदार बारिश होने वाली है। हाँ मैं जानता हूँ, चिंता हो रही है। तुम्हारा घर तो 10 मिनट की दूरी पर है, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे नहीं, मेरा मतलब जिया। तुम क्या अपनी पत्नी से परेशान हो? वो दिल से बहुत कमजोर है,
अगर मैं पाद भी मार दूं तो बिस्तर से डर के उतर जाती है। बहुत अच्छे। नहीं नहीं, शादी होकर कितना अच्छा लगता है ना। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मजे करो। वैसे तुम बाप कब बन रहे हो? अगले सोमवार को। ओह, तुम तो बहुत जल्दी पापा बनने वाले हो यार। पापा? इस बात से तुम खुश हो? देखो, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जानते हो। अरे फिर भी तुम खुश कैसे रह सकते हो? कैसे रह सकते? सर आप घर जाइए। मैं जा रहा हूँ, बाय। अच्छे से जाइएगा सर। कॉर्पोरल पार्क। क्या हुआ? वो सलून वाली औरत। सलून से? उस आदमी की पत्नी जो जड़ी बूटियां चुनती है। क्या हुआ, किसी ने फिर से मारा? नहीं वो बात नहीं है, दरअसल उसका पति तब से आया नहीं है, ना ही कॉल का जवाब दे रहा है। खैर अभी उसे इंतजार करने के लिए कहो, वो जरूर कहीं पत्ते खेल रहा होगा। वो सुबह नशे में जरूर आएगा यहाँ पर, तब इस मामले को देखेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ओके बाय सर। ठीक तो है? छोड़ो मुझे। क्या? दूर रहो मुझसे। हे भगवान, उसने कहा उसके पास कोई शक्ति है, काश सच होता। हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? बिल्कुल, ये बहुत सारे पैसों की बात है। हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो हम मुकदमा करेंगे। सुनिए सर, क्या हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे? जी मेरी बात सुनिए, मैं तो कभी कभी रहता हूँ, ना कि हमेशा। शायद आज मुझे भी पैसे ना मिले। कितना बुरा दिन था। ये क्या बकवास है, पूरे दिन का सत्यानाश हो गया। चलो चलो चले चलो। हे भगवान, विश्वास नहीं हो रहा। तुमने सही कहा। इसे स्वीकार करो, अगर नहीं करोगी तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों मारे जाओगे। अंदर आओ, लेडी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वादा करो मुझसे, जैसे ही मैं आपको स्वीकार करने के लिए मान जाऊंगी, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े भगवान हो जाओगे और कोई मुझे छोटा नहीं समझेगा, कभी भी नहीं। आपने मेरी रक्षा का वादा किया था, आपने वादा किया था कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं।
मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, समझ गई औरत? मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा औरत, आज मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, आज मैं तुम्हारी आंखें निकालूंगा। सनस्पॉट के कारण हुआ विस्फोट असामान्य लगता है। एक बार जब सनस्पॉट फट जाते हैं, यह भयानक हो जाता है। संचार व्यवधान, जीपीएस सिग्नल, सारी चीजें खराब हो जाती है। उपग्रह पे सोलर पैनल को नुकसान पहुंच सकता है और पृथ्वी पे बिजली की भी समस्या हो सकती है। यह न केवल ब्लैकआउट का कारण बन सकता है, साथ ही सभी संचार और बैंक सिस्टम को भी कंगाल बना सकता है। मुझे चौराहे पे हिट एंड रन एक्सीडेंट, अपराधी भाग रहा है, हमें बैकअप की जरूरत है। हिट एंड रन एक्सीडेंट, अपराधी भाग रहा है, हमें बैकअप की जरूरत है। फर्क नहीं पड़ता कितनी मुश्किलों से पकड़ते हो, पकड़ना तो पोस्ट ऑफिस के पास ढूंढो। हेलो मैडम, मुझे फोन के ओनर के बारे में पता चल गया है। अभी कहाँ है वो? ये फोन सी ओन का नहीं है, इसके ओनर का नाम किम्बो योन है। किम्बो योन? यस मैडम, मुझे हॉस्पिटल में वो एक नर्स है। अपना फोन उठाओ। अरे ऐसा नहीं है, आज मेरी छुट्टी है। उठो भी, तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। हेलो, कौन है? क्या? ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ गलत हुआ है। इस छोटे से शहर में क्या गलत हो सकता है? नहीं नहीं,
ये हमारे बच्चे के लिए गलत हो सकता है। मैं आता हूं। बेबी पापा जल्दी आ जाएंगे, आता हूं मैं। बाय। यहाँ की भीड़ को तो देखो, यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। अपने घर जाओ, अपने घर जाइए साहब। मैंने कहा अपने अपने घर जाइए, यहाँ से भीड़ को हटाइए। यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है, जाइए यहाँ से। हाँ चीफ, मैं पार्कसन से बोल रहा हूँ। हाँ, विक्टिम एक महिला है। हाँ हाँ हाँ, फॉरेंसिक आ गए हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सर हमें बताइए सर, ये सब क्या हो रहा है? सर जवाब दीजिए सर, क्या हो रहा है? आंखें मिली कि नहीं अब तक? नहीं, यहाँ नहीं है। हाँ समझ गया, ठीक है। समझ गया चीफ। अरे मेरे पैंट पे छींटे पड़ रहे हैं, हद है, मेरी पैंट भी गंदी हो गई। I'm sorry. ऑफिसर जो, खुद को मजबूत बनाओ, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने अपनी पत्नी की आंखें निकाल ली? मुझे ये कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो उससे ऊब गया हो। क्या? तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, नहीं समझोगे, ठीक है? आज अगर वापस से तुम असफल रहे ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हम लेट हो गए क्योंकि तुम्हें वॉशरूम जाना था। ये नेचर्स कॉल था, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। तुम्हें ऐसे बात नहीं कर सकते मुझसे। योंगसेक, आज के लिए इतनी बकवास काफी है। वो क्या जुनसियोग ने वापस तुम्हें अदला बदली करने के लिए कहा है? यार ये अजीब है, ये सब करना छोड़ दो ना आप। मुझे ये सब करना पड़ रहा था कि तुम्हें पैसे दे सकूं, नहीं चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना। तुम सही कह रहे हो, पैसे कमाने के लिए शर्मिंदा होने वाली कोई बात होती है क्या? इससे पहले कि सारी फसल बर्बाद हो जाए तुम उन जानवरों को पकड़ लेना। रुको, वो यही कहीं होना चाहिए। आओ चलो देखते हैं। कार भी जंगल के बीच खराब हो गई, अब पता नहीं हमारा क्या होगा। अब क्या हुआ? प्रकृति का बुलावा। फिर से? मैं अभी आता हूं। क्या? शुक्र है टिश्यू मिल गया। लगता है इसे निकालना ही पड़ेगा। हेलो, कौन? हाँ मैं टोइंग ट्रक ड्राइवर हूँ, हम बस यहीं पर हैं। हेलो हेलो, यकीन नहीं होता। कोई नहीं है ना? ये क्या है? ये पत्थर है क्या? योंगसेक, हो गया क्या तुम्हारा? अगर कोई जानवर आ गया ना तो एक सेकंड में मर जाओगे। ओए, तुम तो अभी भी अपनी पैंट में ही हो। पैंट में ही हो गई क्या? ए, हो जाता है। तैयार, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? बताओ,
मेरे नजदीक मत आओ। तुम किससे बात कर रहे हो? दूर आओ। जाओ। पागल हो गए हो क्या? यंगसिक, यंगसिक, तुम ठीक हो? हटो, सामने से हटो, जगह दो। साइड हटो यहाँ से। जी, जल्दी करो, जल्दी। डिटेक्टिव ली हुआ सियोन, आप ही ने फोन किया था? जी, मैं ही ली हुआ सियोन हूँ। हाल ही में आपका फोन खो गया था, सही कह रही हूँ ना? हाँ। ये फोन आपका है? जी बिल्कुल। ये आपको कहाँ से मिला? क्या आपको याद है कि आपका फोन कब खोया था? लगभग एक हफ्ते पहले। मैं काम से वापस जा रही थी तो एक औरत ने मुझसे मेरा फोन यूज करने के लिए मांगा। माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? दरअसल मैं अपना फोन लाना भूल गई हूँ, इसीलिए। हाँ ठीक है, ये लीजिए। Hey, किम, तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जल्दी जा रही हूँ। फिर तो जल्दी जाओ, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। थैंक यू। कहाँ गई? जब मैं दूसरी नर्स से बात कर रही थी वो मेरा फोन लेकर गायब हो गई। ध्यान से देखिए, क्या यही थी वो? मैं श्योर नहीं हूं। उस औरत के बाल लंबे और सीधे थे। मेरी बेटी उस दिन बीमार थी तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे सामने हट जाओ, हट जाओ यहाँ से, जल्दी हट जाओ, माफ कीजिए, जाओ यहाँ से, चलो। जाओ, जाओ। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? इनका टेम्परेचर तो 43 डिग्री है। आखिर इन्हें हुआ क्या है? इसने कुछ अजीब सा खा लिया होगा और फिर अचानक से ये। सर, मैं आपको सांस लेने वाला मशीन लगा रही हूँ। सर, शांत हो जाइए। इन्हें कुछ दिख रहा है जिसके कारण इन्हें दौरे पड़ रहे हैं। न्यूरोसर्जन को बुलाओ। जी ठीक है। डैडी, ये सब मेरी गलती है, मुझे परेशान मत करो। डैडी, मुझे चोट मत पहुंचाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे मत मारो। शांत हो जाओ, तुम्हें हो क्या गया? जान, मेरे तुम्हारे डैड बहुत पहले मर चुके, होश में आओ। शांत हो जाइए प्लीज। नर्स, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। क्या मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है? दरअसल यहाँ के कैमरास खराब हैं और इसीलिए उनकी मरम्मत की जा रही है। डैडी, डैडी, अरे ये क्या हो रहा है? सर, रुक जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। पेशेंट को पकड़ो, पुलिस को कॉल करो जल्दी। मत नसीब बताना, नहीं बताना। हनी, ये क्या हुआ? अरे बाप रे। मत आओ, मेरे नजदीक मत आओ, नजदीक मत आओ, मेरे नसीब को बचाओ। तुम ऐसे अचानक मेरी गाड़ी के सामने कैसे आ गए? मेरे नसीब को बचाओ। तुम्हें मार तो नहीं लगी? अरे,
तुम्हें हो क्या रहा है? देखो देखो, यंगसिक बताओ। अरे यंगसिक सुनो, यंगसिक। अरे यार, लगता है कुछ करके भाग आए जी। अरे देखो देखो, साहब भाग रहा है, कोशिश कर रहा है उसके पीछे गई। बताओ मैंने ऐसा तो क्या गलत कर दिया? तुमने मेरी मां को मार दिया, मैंने फिर भी सब बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ स्वीकार करने के लिए। तुमने कितना सताया मुझे, फिर अब क्यों? तुमने अब मुझे क्यों छोड़ दिया? यंगसिक, यंगसिक, हद है यार। लगता है ये वही है जिसकी सूचना अस्पताल से मिली है। लेकिन वो पागल गया किस तरफ? वो जंगल की तरफ भागा था। क्या कहा? हाँ, जंगल की तरफ भाग गया। ठीक है, अब चलो। अब किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है। ए, रुको, गाड़ी में चलाऊंगा। अब घबराइए मत, ये ठीक हो जाएंगे ना? ये ठीक हो जाएंगे। हेलो सुनिए, क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते? अब बदला ले लो। मार दो, मार दो, मार दो अब।
अब किसका इंतजार है? उसने तुम्हारे पति को मार दिया। ले सुयोन। ले सुयोन। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे क्यों मार डाला? बोलो।